क्यों मुस्लिम थे नहीं, बच्चे अभी भी मुस्लिम हैं, बाप की जागीर नहीं है वो, अभी हैदर भाई के नाम से ही जाने जाएंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, तुम बच्चों का नाम कुछ भी रखो, अपना नाम क्यों नहीं बदला, सीता राधा ऐसा कुछ रख दे, अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया। और वो कहते हैं कि उसने धर्म चेंज कर दिया, उसके दादा ससुर कह रहे हैं कि अभी हम उसको चूल्हे पे नहीं जाने देते, खाना नहीं बनाने देते, कैसा धर्म चेंज किया उसने, कोर्ट से उसने धर्म चेंज किया। एपी सिंह जी बता दें कि कौन सा कागज बनाया, कौन से कहां पे लिखित में उसने धर्म चेंज किया। ऐसे धर्म चेंज करने के लिए तो बहुत सारे आ जाएंगे धर्म चेंज करने के लिए। ये बात मैं पहले भी ऐलान कर चुकी हूँ और चैनलों पे भी, क्योंकि अगर जल्दी से काम नहीं होता है और एटीएस अगर किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाती है और कोर्ट किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाता है, तो मेरा सभी बहनों से, अपने हिंदुस्तान के सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि हमें रोड पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम रोड पे नहीं उतरेंगी, हम इस महिला को क्यों यहाँ रहने दें, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हमें मतलब हमें इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगर कोई व्रत या त्योहार आ रहा है तो वो पहले वो वीडियो डाल दे रही है, उसको पहले स्क्रिप्टेड बता दिया जा रहा है, चाहे वो उल्टा कर रही है चाहे वो सीधा कर रही है। तो एपी सिंह जी को भी मैं बोलूंगी कि आप एक सनातनी तो हो नहीं, क्योंकि आप सनातन से बाहर जाके जो काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं सभी महिलाओं को बोलूंगी, और जैसे कि अभी सुनीता जी भी बोल रही हैं और साक्षी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं बच्चों के हवाले से, क्योंकि बच्चे हमने उसके फादर को देने ही देने हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य इसके साथ में नहीं है। इसने बच्चों की आइडेंटिटी ऐसी खराब कर दी है कि पहले हैदर भाई के नाम से बच्चे जाने जाते थे, अभी यहाँ पे वो सचिन के नाम से बोल रही है कि सचिन उनका बाप है, सचिन उनका बाप है, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि 18 साल से पहले बच्चों का धर्म परिवर्तन कोई भी नहीं कर सकता जब तक बच्चे खुद ना बोलें कि हम किस धर्म में जाना चाहते हैं। देखिए भाई जी, अगर केस हल करवाना चाहते तो शायद सीमा आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले डिपोर्ट हो चुकी होती। तो उन्होंने तो ठान लिया है कि अभी पहले वहां से गोलियां आती थी, अब डोलियां आ रही हैं, मायका भी, मायका उसका दिल्ली में है, ससुराल उसका रघुपुरा में है, मतलब उन्होंने तो ये कर लिया है कि उसको पक्का ही सचिन की वाइफ बना दिया है, जो कि अभी वो कानूनन है नहीं, गैर कानूनी है और वो होना भी नहीं चाहिए। अगर इस पे भी हम लोग अगर याचिका डालें तो फिर लप्पू पकड़ा जाता है, लप्पू के साथ साथ में एपी सिंह भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती उनकी वाइफ बना रहे हैं, जबकि वो अभी तक हैदर भाई की वाइफ है, क्योंकि हैदर भाई ने उनको कोई कानूनन कोई लिखित में नहीं दिया है, अभी तक उन्होंने उसके साथ में खुला नहीं दिया है और तलाक नहीं हुआ है, तो वो अभी ऐसे रह रही हैं। बाकी सीमा हैदर की बात जहां तक है, सीमा हैदर बिल्कुल डिपोर्ट होगी और जांच जैसे हो रही है, एटीएस ने अभी क्लीन चेक नहीं दी है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसी कानूनी कार्रवाई होती है जिसको करने में थोड़ा सा देर लगती है, और कानूनी कार्रवाई सरकारी जो कार्रवाई होती है आपको पता ही है वो कैसे होती है, बहुत मतलब बारीकी से होती है, एक एक चीज देखनी पड़ती है कि बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट से लेके उसका जो वीजा है, जो उसका पासपोर्ट है, जो उसके फोन इतने सारे हैं, जो बच्चों के फोन हैं, और इतना सारा 700 SMS हैं, मतलब हर चीज पर जब गौर फरमाएंगे, जब जाके वो गृह मंत्रालय को देंगे, एक बार गृह मंत्रालय जी मंत्रालय के लिए उन्होंने बोला भी था, पर शायद उन तक अभी पहुंची नहीं है, क्योंकि अगर उन तक पहुंच चुकी होती खबर तो अब तक रिजल्ट आ चुका होता। तो अभी है, चल रहा है, और उसके बाद कानून जो है वो सजा देगा उसको, या तो वो डिपोर्ट होगी, डेफिनेटली वो क्रिमिनल है और गैर कानूनी तरीके से आई है, बाकायदा बच्चों को, हम तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लगे या जैसा लगे भाई, पर वो बच्चों को किडनैप करके लाई है। जब एक बाप को उसने बताया नहीं कि मैं तेरे बच्चों को कहाँ ले जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, घर में बता के जाती है कि मैं एक हफ्ते के लिए कहाँ जा रही हूँ, और एक हफ्ते के बाद भी नहीं आती है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, 15 दिन के बाद हैदर भाई को पता चलता है, जब वो किसी की वीडियो देख रहे होते हैं कि इंडिया में वीडियो चल रही है और वो इंडिया की उसमें क्या बोलते हैं थाने में है, तो तब जाके कुछ कार्रवाई होती है। उसके बाद भी कार्रवाई में क्या होता है, ये लोग FIR दर्ज करवाते हैं, तो FIR में लिखवा देते हैं कि FIR तो करवा देते हैं, लेकिन उसमें बोला साफ साफ लिखा हुआ होता है कि हमने पड़ताल नहीं करनी है, जांच पड़ताल नहीं करनी है, खोज खबर नहीं करनी है। क्यों? मुस्लिम थे नहीं, बच्चे अभी भी मुस्लिम हैं,
इनका इनके बाप की जागीर नहीं है वो बच्चे अभी हैदर भाई के नाम से ही जाने जाएंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, तुम बच्चों का नाम कुछ भी रखो, अपना नाम क्यों नहीं बदला, सीता राधा ऐसा कुछ रख दे, अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया। और वो कहते हैं कि उसने धर्म चेंज कर दिया, उसके दादा ससुर कह रहे हैं कि अभी हम उसको चूल्हे पे नहीं जाने देते, खाना नहीं बनाने देते, कैसा धर्म चेंज किया उसने, कोर्ट से उसने धर्म चेंज किया। एपी सिंह जी बता दें कि कौन सा कागज बनाया, कौन से कहां पे लिखित में उसने धर्म चेंज किया। ऐसे धर्म चेंज करने के लिए तो बहुत सारे आ जाएंगे धर्म चेंज करने के लिए। ये बात मैं पहले भी ऐलान कर चुकी हूँ और चैनलों पे भी, क्योंकि अगर जल्दी से काम नहीं होता है और एटीएस अगर किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाती है और कोर्ट किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाता है, तो मेरा सभी बहनों से, अपने हिंदुस्तान के सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि हमें रोड पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम रोड पे नहीं उतरेंगी, हम इस महिला को क्यों यहाँ रहने दें, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हमें मतलब हमें इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगर कोई व्रत या त्योहार आ रहा है तो वो पहले वो वीडियो डाल दे रही है, उसको पहले स्क्रिप्टेड बता दिया जा रहा है, चाहे वो उल्टा कर रही है चाहे वो सीधा कर रही है। तो एपी सिंह जी को भी मैं बोलूंगी कि आप एक सनातनी तो हो नहीं, क्योंकि आप सनातन से बाहर जाके जो काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं सभी महिलाओं को बोलूंगी, और जैसे कि अभी सुनीता जी भी बोल रही हैं और साक्षी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं बच्चों के हवाले से, क्योंकि बच्चे हमने उसके फादर को देने ही देने हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य इसके साथ में नहीं है। इसने बच्चों की आइडेंटिटी ऐसी खराब कर दी है कि पहले हैदर भाई के नाम से बच्चे जाने जाते थे, अभी यहाँ पे वो सचिन के नाम से बोल रही है कि सचिन उनका बाप है, सचिन उनका बाप है, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि 18 साल से पहले बच्चों का धर्म परिवर्तन कोई भी नहीं कर सकता जब तक बच्चे खुद ना बोलें कि हम किस धर्म में जाना चाहते हैं। देखिए भाई जी, अगर केस हल करवाना चाहते तो शायद सीमा आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले डिपोर्ट हो चुकी होती। तो उन्होंने तो ठान लिया है कि अभी पहले वहां से गोलियां आती थी, अब डोलियां आ रही हैं, मायका भी, मायका उसका दिल्ली में है, ससुराल उसका रघुपुरा में है, मतलब उन्होंने तो ये कर लिया है कि उसको पक्का ही सचिन की वाइफ बना दिया है, जो कि अभी वो कानूनन है नहीं, गैर कानूनी है और वो होना भी नहीं चाहिए। अगर इस पे भी हम लोग अगर याचिका डालें तो फिर लप्पू पकड़ा जाता है, लप्पू के साथ साथ में एपी सिंह भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती उनकी वाइफ बना रहे हैं, जबकि वो अभी तक हैदर भाई की वाइफ है, क्योंकि हैदर भाई ने उनको कोई कानूनन कोई लिखित में नहीं दिया है, अभी तक उन्होंने उसके साथ में खुला नहीं दिया है और तलाक नहीं हुआ है, तो वो अभी ऐसे रह रही हैं। बाकी सीमा हैदर की बात जहां तक है, सीमा हैदर बिल्कुल डिपोर्ट होगी और जांच जैसे हो रही है, एटीएस ने अभी क्लीन चेक नहीं दी है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसी कानूनी कार्रवाई होती है जिसको करने में थोड़ा सा देर लगती है, और कानूनी कार्रवाई सरकारी जो कार्रवाई होती है आपको पता ही है वो कैसे होती है, बहुत मतलब बारीकी से होती है, एक एक चीज देखनी पड़ती है कि बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट से लेके उसका जो वीजा है, जो उसका पासपोर्ट है, जो उसके फोन इतने सारे हैं, जो बच्चों के फोन हैं, और इतना सारा 700 SMS हैं, मतलब हर चीज पर जब गौर फरमाएंगे, जब जाके वो गृह मंत्रालय को देंगे, एक बार गृह मंत्रालय जी मंत्रालय के लिए उन्होंने बोला भी था, पर शायद उन तक अभी पहुंची नहीं है, क्योंकि अगर उन तक पहुंच चुकी होती खबर तो अब तक रिजल्ट आ चुका होता। तो अभी है, चल रहा है, और उसके बाद कानून जो है वो सजा देगा उसको, या तो वो डिपोर्ट होगी, डेफिनेटली वो क्रिमिनल है और गैर कानूनी तरीके से आई है, बाकायदा बच्चों को, हम तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लगे या जैसा लगे भाई, पर वो बच्चों को किडनैप करके लाई है। जब एक बाप को उसने बताया नहीं कि मैं तेरे बच्चों को कहाँ ले जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, घर में बता के जाती है कि मैं एक हफ्ते के लिए कहाँ जा रही हूँ, और एक हफ्ते के बाद भी नहीं आती है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, 15 दिन के बाद हैदर भाई को पता चलता है, जब वो किसी की वीडियो देख रहे होते हैं कि इंडिया में वीडियो चल रही है और वो इंडिया की उसमें क्या बोलते हैं थाने में है, तो तब जाके कुछ कार्रवाई होती है। उसके बाद भी कार्रवाई में क्या होता है, ये लोग FIR दर्ज करवाते हैं, तो FIR में लिखवा देते हैं कि FIR तो करवा देते हैं, लेकिन उसमें बोला साफ साफ लिखा हुआ होता है कि हमने पड़ताल नहीं करनी है, जांच पड़ताल नहीं करनी है, खोज खबर नहीं करनी है,